जय माता की सबको। आज चौथा नवरात्रा है और चौथे नवरात्रे में हम पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा की। तो पूजा हम आरंभ करने वाले हैं, आप देखिए। और आज आपको पूरा इतिहास भी बताएंगे कि आज की पूजा का क्या महत्व होता है। तो आइए हम पूजा का शुरुआत करते हैं। जय माता दी। चौथा नवरात्रा हम पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा स्वरूप की। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में और उनकी कथा के बारे में। माता कुष्मांडा को आठ भुजा देवी आदि शक्ति स्वरूप के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है माता ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए उनका नाम आदि शक्ति पड़ा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धियों से युक्त जपमाला, धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत का कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। माँ कुष्मांडा को कुमड़ी की बलि बड़ी प्रिय है और संस्कृत में कुमड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। इन देवी का अवतार असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। वही माना जाता है जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा के रूप से जाना गया। इसी कारण ही माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूप कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा पाठ करता है, उससे मन प्रसन्न होकर माँ का मन इतना प्रसन्न होता है कि उसके सभी रोग शोक सबसे माँ उसे मुक्ति दे देती है और माँ की भक्ति से मनुष्य के बल आयु यश में वृद्धि होती है। और माँ कुष्मांडा की पूजा आप इस मंत्र के साथ करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, तो इसलिए चौथे नवरात्रे सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद आप जो कलश आपने स्थापित किया है उस कलश की पूजा करें। तो अब हम अपने मंदिर में हैं, अब हम माँ के चौथे स्वरूप की, आज कुष्मांडा माँ का स्वरूप चौथे स्वरूप की हम पूजा करेंगे। और अब हम डोगरी में जो आरती करते हैं शाम के समय, वो आपको आरती दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ माँ कुष्मांडा स्वरूप के पूजन में शामिल हों। तो अब आप सबने माँ कुष्मांडा स्वरूप की कथा सुनी है। अड्डासन डोगरी की बोलने, क्योंकि जो सारे डोगरी रीति रिवाज है ना, असें साथ लाई दी है माता जी अब चौथा नवरात्रा। और हम असें अपने डोगरी जी अस पूजा करने होंगे, वो अस लगे हैं माँ की आरती कर। ते तुस सारे भी साढ़े कन्नै माँ दी आरती करो। अज्ज चौथा नवरात्रा ते चलो हम करने आ जा आरती दूजी सेवा। हरि ओम नारायण गोविंदा, मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं देवी दवारे चलिया, मैं देवी दवारे लीठा, मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी दूजी आरती त्रीजी सेवा। हरि ओम नारायण गोविंदा, मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं देवी द्वारे चलिया, मैं देवी द्वारे जीता, मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी त्रीजी आरती चौथी सेवा। हरि ओम नारायण गोविंदा, मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं देवी द्वारे चलिया, मैं देवी द्वारे लीठा, मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी जय माता दी। जय दरबार की जय। माँ मेरिया सखियां जोता वाली है, माता तेरी सदा ही जय। जय माता।
जय माता दी। तो आज की पूजा हो गई है संपन्न। अगर आप चाहते हैं कि हम कल भी, अगर आप पांचवें स्वरूप की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें हमारी कथा कैसी लगी। जय माता दी।